खास कार्यक्रम इनसाइट में आपका स्वागत है। इनसाइट में हम बात करते हैं सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण और पर्दे के पीछे चलती हुई उन कारगुजारियों की, जो सत्ता के कुचक्र से लेकर सत्ता के संतुलित समीकरणों की बात की जाती है। हम आज बात कर रहे हैं राजस्थान में उस सियासी संकट के मोचन की, जिसको लेकर पिछले दिनों से चर्चा थी। पिछले दिनों से ये चर्चा थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। वहाँ कुमारी शैलजा भी आई और विभिन्न आलाकमान के दूत भी आए और सब कुछ हुआ और ये लग रहा था कि तुरंत ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी दूरियां कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ना ही ये सियासी दूरियां कम हुई। हाँ, यह जरूर हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य जरूर खराब हो गया इस तनाव के चलते, और उसके बाद अब वो आराम कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से इस सियासी संग्राम के बीच खबर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। कहा यह भी जा रहा है कि आलाकमान से हरी झंडी मिल गई और 4 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाने पर सहमति हुई है। बताया जाता है कि अशोक गहलोत की ओर से भी इसे स्वीकार किया या नहीं किया ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन हवाएं और ये सगुफे इसी तरह के हैं कि पायलट गुट के 4 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए जाने हैं। फिलहाल जो सत्ता के समीकरण और हालात हैं वो ये बताने लगे हैं कि हवाओं में कुछ गर्मी और तल्खी तो है। सचिन पायलट आज ही दिल्ली से यहाँ पहुंचे और कर्नाटक के लिए उन्हें रवाना होना पड़ा। वे लगातार इस दौरान अपनी ताकत का एहसास करवाते रहे, भले ही उनके दौरों में गाड़ियों की लंबी भीड़ हो या फिर जगह जगह उनके काफिले का जिस तरीके से स्वागत हुआ वो ताकत बताने के लिए काफी था। यूं भी आलाकमान इतने एक साल के इस पूरे समय में इस बात का आकलन तो कर ही पाया कि सचिन पायलट की ताकत कम नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पूरे मामले में अपनी ओर से समय दर समय चलाते जा रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी पायलट का किसी न किसी तरीके से जादू लगातार दिखाई देता रहा जनता पर, और यही कारण है कि आखिरकार अब आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिलने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पायलट को हरी झंडी दे दी गई है। वैसे भी ये बात आमतौर पर समझी जा सकती है कि पायलट गुर्जर नेता के तौर पर पूरे उत्तर भारत में अपने आप को सक्रिय किए हुए हैं। पिछले दिनों वे उत्तर प्रदेश के अंदर भी गए तो वहां भी उनका जलवा बरकरार दिखाई दिया। जगह जगह मीडिया में उनके लाखों की तादाद में समर्थकों की भीड़ और कई सौ गाड़ियों का काफिला चर्चा में है। हम आपको बता दें कि ये सियासी संकट सुलझ पाएगा या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि सितंबर के माह में कुछ न कुछ निर्णायक फैसला जरूर होगा। लेकिन इससे पहले जो दिक्कत है वो ये है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या विधानसभा के सत्र के दौरान इस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा, इस पर संशय है। लेकिन जो कुछ हवाएं चल रही है वो ये बताती है कि सितंबर माह में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और सचिन पायलट के समर्थकों को इसमें जगह भी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये सियासी संकट निपट सकता है और दोनों के बीच की दूरियां कम हो सकती है, लेकिन ये तभी है जब पायलट गुट को जो तरजीह मिले वो उसी अनुपात में मिले जिसे वो चाहते हैं और उनके समर्थकों की जो तादाद है। हालांकि ये बात भी साफ तौर पर कही जा रही है कि पायलट के समर्थक कुछ न कुछ बयान देकर इस पूरे सियासी गर्मी को बरकरार बनाए रखते हैं। फिलहाल जो बात है वो ये है कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार सितंबर के प्रथम सप्ताह में हो पाएगा या नहीं, इस पर संशय नजर आता है। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे और राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री की कुशलक्षेम पहुंची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की बातों को कितना सही और जायज ठहराया जा सकता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि किसी न किसी तरीके से इस सियासी हवाओं को जरूर गर्म रखा जा रहा है ताकि मामला ठंडा ना पड़े। आज के इनसाइट में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल नए मुद्दे के साथ।